क्लियर विजुअल है या नहीं है? क्लियर। गुड इवनिंग भारत, कह रहा है इको की क्लास यूट्यूब पे। यूट्यूब का भी कुछ कह नहीं सकते, इको की क्लास यूट्यूब पे कुछ नहीं पता अभी। आइए पहले एक बार बहुत फटाफट से लास्ट क्लास को एक बार देख लेते हैं क्या कर रहे थे। जिन बच्चों की नई क्लास है उनको पहले फर्स्ट क्लास देखनी पड़ेगी, और उन बच्चों को मैं बोलूँगा कि लीवरेज से आप स्टार्ट करें ना तो ज़्यादा बेटर है। क्यों सर लीवरेज से? क्योंकि उसके अंदर बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए हम क्लास की बात करें तो अभी तक क्या क्या कर लिया सर? अभी तक हम बात करते हैं, चैप्टर स्टार्ट किया था बहुत सिंपल चैप्टर, कैपिटल बजटिंग। सबसे ज्यादा वेटेज का जरूर है ये चैप्टर कैपिटल बजटिंग। सर कैपिटल का मतलब यहाँ पे था एसेट से, और सर यहाँ पे एसेट्स भी कौन सी वाली बात करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल बजटिंग में हमने देखा था एसेट्स, एसेट्स में फिक्स एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और बिल्डिंग की बात नहीं होगी। इसके अंदर प्लानिंग क्या होगा कि वी शुड एसेट्स बाय और रिप्लेस या फिर नहीं बाय करें, ये प्लानिंग रहेगा। तो इसी से बन गया एसेट्स की बजट कर रहे हैं बेसिकली, तो बन गया हमारा कैपिटल बजटिंग। आगे हमने एक क्वेश्चन देखा था, फॉर्मेट देखा था सर कैपिटल बजटिंग का क्या फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे हमने देखा इनफ्लो निकाला जाता है, और इनफ्लो और प्रॉफिट कभी भी इक्वल नहीं होता, क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। ये देखा था लास्ट में हमारा क्या होता है? डेप्रिसिएशन ऐड हो जाता है। इसके बाद हमने देखा था टर्मिनल फ्लो। टर्मिनल फ्लो के अंदर जो मशीनरी में पैसा गया, ये तो हो गया हमारा क्या सर? ये तो हो गया हमारा टर्मिनल आउटफ्लो। इनफ्लो क्या होगा हमारा? मैंने बताया था टर्मिनल इनफ्लो जो होता है ना सर, वो होता है हमारा जो मशीनरी बेच के स्क्रैप वैल्यू से पैसा आया हो, या कोई वर्किंग कैपिटल हो, अभी समझेंगे वर्किंग कैपिटल का पॉइंट, या कोई सेविंग हो टैक्स से। इन सभी को जोड़ देंगे तो ये टर्मिनल से इनफ्लो आ जाएगा लास्ट वाले ईयर में, जो लाइफ होती है मशीनरी की उस साल में। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर वन, और इस क्वेश्चन में हमने तीन क्वेश्चन को फाइंड किया था। एक था हमारा एनुअल इनफ्लो, एक टर्मिनल का आउटफ्लो, इनिशियल आउटफ्लो, और एक इनफ्लो। तीन क्वेश्चन हमने किए सर। एक और क्वेश्चन हमने आगे देखा सर, एक और क्वेश्चन क्या देखा कि डब्ल्यू डी वी जब आ जाएगा ना तो उसमें फर्क होगा। डब्ल्यू डी वी में क्या हो जाएगा हमारा? फर्क आएगा। जैसे ये क्वेश्चन था, डब्ल्यू डी वी में हर साल का प्रॉफिट अलग आएगा, उसकी वजह से हमने अलग अलग साल का अलग अलग इनफ्लो निकाला। लेकिन लास्ट वाले साल में क्या हुआ था? लास्ट वाले साल में तो ये तो इनफ्लो था ही सर, इसमें हमारा स्क्रैप को और ऐड करके फिर बता दिया गया था लास्ट का ये रहेगा। चलिए आज एक और क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल, देखिए ध्यान से देखिए। सपोज करिए आपने कोई भी एक मशीनरी एक्स वाई जेड मशीनरी, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड कोई भी मशीनरी है, ठीक है ना, और इस मशीनरी को जब आप बाय करेंगे तो सिर्फ मशीनरी को बाय करने से नहीं होता। देखो जैसे आप घर में इक्विपमेंट खरीद, तो टीवी खरीदा, कोई चलाने के लिए नहीं चाहिए, खुद ही चला लोगे। सेम ऐसे एसी, फैन, जो चीजें घर में इक्विपमेंट, बिजली, मशीनरी, वो खुद चल जाता है। लेकिन जो फैक्ट्री के अंदर आप मशीनरी खरीदते हो तो उसको चलाने के लिए स्पेशली आपको एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, समझ रहे हो? और एक्सपर्ट के साथ साथ उस मशीनरी के ऊपर कुछ खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। क्या खर्चे बढ़ जाएंगे सर? इसके अंदर रिपेयर का खर्चा बढ़ जा सकता है। यानी जब मशीनरी खरीदते हैं तो इसके साथ साथ हमारा एक्सपेंस भी आता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सर ओल्ड मशीनरी जब हम चला रहे थे ना तो वहां पे खर्चा हमारा 5,000 का आ रहा था,
नई मशीनरी के अंदर खर्चा हो सकता है कि ये 3000 हो जाए। तो इनिशियल लेवल पे वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल होता है आपका जो आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, यानी काम करने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में देखा था हमने। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब जैसे कि आपको कितना पैसा और रिक्वायर्ड है, सिंपल सी बात है, रिक्वायर्ड अमाउंट मैं बोलूंगा। कैसे सर? आप क्या करते हो सर? करंट एसेट्स माइनस में करंट, लेट्स एग्जाम्पल करंट एसेट्स हमारा डेटर है, यानी आपने उधार माल बेचा। करंट लाइबिलिटी आपका क्रेडिटर है, इसका मतलब आपने उधार माल खरीदा। अगर ये 100 रुपए का है और ये 80 रुपए का है तो आपको जरूरत तो 20 की पड़ी ना, क्योंकि आप 100 का उधार माल बेचते हो, जहां से 80 का तो आपको मिल ही रहा है उधार। तो जो उधार मिल रहा है उसका इंतजाम करने की क्या जरूरत है? वो तो डेटर से ही एक दिन मिल के हो जाना है, तो हमें और एक्स्ट्रा कितना इंतजाम करना है? सेम ऐसे इस मशीनरी को चलाने के लिए एक्स्ट्रा अगर लेबर की बात करूं तो इसको पेमेंट करना होगा, तो यहां पे इसको एज ए हम वर्किंग कैपिटल ले लेंगे। तो लेबर वगैरह को जब इनिशियल लेवल की बात करें ना, तो स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में जैसे मशीनरी हमारा मान लेते हैं 5 लाख रुपए का है, तो लेबर भी चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए 1 लाख का। तो सर इनिशियल आउटफ्लो तो आपके 6 लाख लगेंगे। ऐसा थोड़ी करोगे कि मशीनरी लाओगे और मशीनरी को लेके रखे रहोगे, उसको चलाने के लिए तो चाहिए ना लेबर वगैरह, चाहिए जो मटेरियल लगता है कुछ भी। तो इनिशियल आउटफ्लो क्या होगा? 6 लाख। कैसे सर? इनिशियल आउटफ्लो मशीनरी की वैल्यू और जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो ये 1 लाख वाला है ना, ये खत्म हो जाएगा। जो 1 लाख स्टार्टिंग में लगाया था वो स्टार्टिंग में 1 लाख आपका वापसी आ जाएगा। सर कैसे वापसी की बात कर रहे हो? आपके जो 20 रुपए की जरूरत है, बाद में जब डेटर देगा तो आपके 20 वापसी नहीं आएंगे क्या? आपके जो डेटर पैसे दे देंगे तो वापसी आ जाएगा। तो जो लास्ट ईयर में है ना, तो लास्ट ईयर के अंदर टर्मिनल से पैसा क्या आएगा पता है आपका? स्क्रैप, स्क्रैप बेचोगे तो वो पैसा आ जाएगा, प्लस वर्किंग कैपिटल के जो भी फंस रहे थे पैसे वो भी वापसी आ जाएंगे, प्लस आपका टैक्स का जो भी सेविंग वगैरह रहता है वो भी वापस हो जाएगा। तो टर्मिनल का अगर इनफ्लो पूछू ना मैं, तो ये रहेगा सारा। यानी मेजर मुद्दा सर अभी मैं बताना चाहता हूं कि वर्किंग कैपिटल इनिशियली हमारे आउटफ्लो का पार्ट होता है और एंड ऑफ द ईयर में वो वर्किंग कैपिटल हमें वापसी मिल जाता है, ठीक है ना? उसी के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं सर। क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है एक एक्स लिमिटेड प्लानिंग टू परचेज अ मशीन रुपीज आपका 1.5 लाख रुपए का, विच इज लाइकली टू ब्रिंग फॉलोइंग अर्निंग इन नेक्स्ट 5 ईयर। सर आपको अगर 5 साल का अगर इसका अर्निंग दे रहा है ना, तो आप समझ जाओ इस मशीनरी की लाइफ ही 5 साल है। हमेशा कैपिटल बजटिंग में आपको एसेट्स का जितना लाइफ होगा उतने साल की अर्निंग की बात करेगा वो। तो 5 सालों का आपको अर्निंग दे दिया, पहले साल में आप कमाओगे 50,000, दूसरे में 55, फिर 60, फिर 62, फिर ये टोटल आपकी अर्निंग है, नॉट कैश इनफ्लो। क्या ये कैश इनफ्लो है? नहीं है सर कैश इनफ्लो, क्योंकि अभी तो इसमें से डेब वगैरह भी, ये ईबीआईटी है आपका एक तरीके से। टू परचेस ऑफ मशीन विल बी रिजल्ट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ₹15,000। सर जैसे ही हम मशीनरी को खरीदेंगे ना, हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा 15,000 का, ठीक है? द मशीन विल बी डेप्रिशिएट एसएलएम बेसिस ऑन द साल्वेज वैल्यू 25,000। तो डेप्रिसिएशन के आपको याद होगा मैंने बोला था परसेंटेज नहीं गिवन होगा ना, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, और जो वो फॉर्मूला लगाएंगे ना वो भी किसका पार्ट होगा याद है कुछ? मैंने बताया था जो वो फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ गया ये रहा, जो ये फॉर्मूला लगा के निकालते हो ना, ये एसएलएम का ही पार्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, जो अभी हमारे पास क्वेश्चन है एट प्रेजेंट में, आप इसमें देखोगे तो रेट नहीं मिलेगा आपको, आपको रेट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब सर लाइफ दे रखा है, स्क्रैप दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, एसएलएम से निकाला जा सकता है, उसी फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। द कंपनी सब्जेक्ट टू टैक्स 30%। अब यहां पे 30% अगर आपको नहीं बोला ना कैपिटल गेन, तो आपको जो हम बोलते थे ना सस्ता बेचोगे एसेट्स को,
तो आपका फायदा होगा, महंगा बेचोगे तो आपका नुकसान, जो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। तो वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल तब तक नहीं होगा जब तक क्वेश्चन ना बोल दे कि कैपिटल गेन का भी इफेक्ट लो। लास्ट वाले क्वेश्चन में हालांकि नहीं डाला था, लेकिन मैंने बोला इसमें लिख देता हूँ कैपिटल गेन का इफेक्ट लेना है, समझे बात। तो सर यहाँ पे सिंपली 5 साल का इनकम है, तो हमें 5 सालों का सारा डिटेल बना लेना है। बनाने का क्या तरीका है? बहुत सिंपल सा तरीका है, 5 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ना क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मैं एक बार और क्वेश्चन समझाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फायदा ही नहीं है फिर तो कुछ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और जी ये 5 साल। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या बोलता है? द कंपनी सब्जेक्ट टू टैक्स। कंपनी को बताना है कि रिक्वायरमेंट नहीं बताया इसमें, मैं रिक्वायरमेंट लिख देता हूं। रिक्वायरमेंट है एनुअल इनफ्लो। आपको एग्जाम में भी ना ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, सर निकाले क्या? तो वैसे क्वेश्चन में जब कुछ ना बोला जाए तो एनुअल इनफ्लो निकाल दीजिए, टर्मिनल आउटफ्लो निकाल दीजिए और एक टर्मिनल इनफ्लो निकाल दीजिए। यानी ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर को निकाल के दे देना है अगर क्वेश्चन कुछ बोलता ही नहीं, समझे। तो सर यहां सबसे पहले हम प्रॉफिट ले लेते हैं, और प्रॉफिट 3 सालों का दे रखा है अलग अलग, 5 सालों का प्रॉफिट। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। पहले साल का प्रॉफिट बताए सर, फिर 55,000, उसके बाद 60K, इसके बाद 62K, इसके बाद 65K। सर इसमें से माइनस करिए आप डेप्रिसिएशन। क्यों सर डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करें? क्योंकि टैक्स लगाना है आपको एक्चुअल पे। वीडियो रुक रही है, और कितने बच्चे कह रहे हैं कि सर वीडियो रुक रही है, बताइए फटाफट। हेडिंग में कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो हेडिंग पूछ रहे हैं बच्चे, तो कैश इनफ्लो फॉर ईच ईयर, बस बताइए। वीडियो बच्चों का सर कह रहे हैं कि क्लियर, ठीक है। कुछ बच्चों का हो सकता है वो आप मैनेज कर लीजिए एक बार। सर क्या मैनेज करना है? वहां पे आपका सेटिंग का ऑप्शन होता है, वो सेटिंग में जाके चेंज कर लीजिए। सर डेप्रिसिएशन निकालते हैं पहले। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? कॉस्ट मशीनरी का माइनस में स्क्रैप, इंस्टॉलेशन चार्ज है नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा, डिवाइडेड बाय सर कॉस्ट कितने का है? सर यहां पे कॉस्ट है 1.5 लाख, माइनस स्क्रैप 25 का, डिवाइडेड बाय 5। तो सर 25,000 SLM है, तो आपको पता है हर साल। सर आपने तो बोला था WDV में ये झंझट आएगा। दो तरीके से आपको अलग अलग निकालना पड़ सकता है, व्हेन अनइक्वल इनकम और जब WDV हो, ठीक है ना, क्योंकि अनइक्वल इनकम है। चलिए सर क्या आएगा हमारा? इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कह सकते हो, आफ्टर डेप, ठीक है, आफ्टर डेप। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। सर माइनस के हैं ये सारे, समझे आप। अब माइनस करिए सर
टैक्स कितने परसेंट है, क्वेश्चन में 30% गिवन है तो वो माइनस कर देते हैं। सर 30 का क्या आएगा, 75, 9,000, 10,500, 11,100, 12,000। सर ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम PAT कहते हैं। ये आ जाएगा 7,500 माइनस करोगे तो 17,000, 21, 24,500, बताइए, 25,900, सही बताइएगा बस, 28,000। सर वापस क्या कर दें इसमें, डेप्रिसिएशन, क्योंकि निकाल के आ रहे हैं इनफ्लो। ये क्वेश्चन कहां से करवा रहे हो सर, ये आरपी रस्तोगी बुक का क्वेश्चन है, मैं नोट्स डाल दूंगा उसमें। मैंने कहा था कि मैं कुछ चैप्टर जो हैवी है उसमें बुक 10 ईयर सारी चीजें कराऊंगा उसमें, तो ये बुक का क्वेश्चन है। तो सर बुक तो लिया नहीं आपने, मना ही कर दिया, तो मैं इसके PDF डाल दूंगा आपको, क्लियर, सो दैट, क्योंकि फायदा नहीं है कि देखो बुक लेने में कोई बुराई नहीं है, तो मैंने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। सर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, कैश इनफ्लो 42, 46,000, 50,900, 60, 53, ये बड़ा कम आया, 53 नहीं, ज्यादा ही है, ज्यादा ही है, ज्यादा ही है, ज्यादा ही है। सर ये हो गया कैश इनफ्लो, मैंने तीन क्वेश्चन बोला था जिसमें से पहला तो निकाल दिया, दूसरा टर्मिनल आउटफ्लो, तो दूसरा क्वेश्चन नंबर टू हमारा मशीनरी, सर मशीनरी है 1,00,000 और प्लस वर्किंग कैपिटल, इसमें वर्किंग कैपिटल ऐड होगा जो कि रिक्वायरमेंट है 15,000, है ना, तो 1,65,000। सर दो क्वेश्चन डन कर दिए, बताइए किसी का डाउट, दो क्वेश्चन डन कर दिए किसी का डाउट, हाँ PBT भी कह सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर अगले हाँ ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, चलिए तीसरे क्वेश्चन के बात करते हैं, मैंने पॉइंट सेकंड बोला ये। सर क्वेश्चन नंबर थ्री, हेडिंग में ईयर नहीं लिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर्टिकुलर ये ईयर लिख दो बस, ईच ईयर, अच्छा ये बोल रहे हैं शायद, वाई रह गए हैं, अभी रुक जाओ, बताते हैं बताते हैं। इसको सर इधर कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन का जवाब यहां देते हैं, टर्मिनल इनफ्लो। सर टर्मिनल इनफ्लो क्या होता है, साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू कितने का था सर, 25,000, प्लस में वर्किंग कैपिटल, ये आ गया। सर वर्किंग कैपिटल का कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, पहले यहां तक देखिए फिर मैं दोबारा क्वेश्चन समझाऊं। दोबारा क्वेश्चन समझा दूं एक बार, क्वेश्चन में क्या था सर, हमने एक मशीनरी खरीदा जिसकी कीमत 1,50,000 है, और साथ के साथ हर साल वो मशीनरी हमें अर्निंग करके देगा, प्रॉफिट,
और प्रॉफिट जो करके देगा एग्जामिनर, अब मैं बताता भी जाऊंगा, एग्जामिनर कई बार चालाकी करेगा, हर साल का कैश इनफ्लो इतना है बता देगा। अगर कैश इनफ्लो हर साल का बता दे तो ये वाली कहानी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझे ना। तो उसने बोला प्रॉफिट तो ध्यान रखना, प्रॉफिट बोला तो भैया सब डैप वेप का हिसाब किताब लगाना है, अगर इनफ्लो बोल दिया तो कुछ नहीं करना। तो एग्जामिनर ने बोला भैया हम आपको 5 सालों का प्रॉफिट बता रहे हैं, तो जितने साल का प्रॉफिट बताया जाएगा उतने ही एसेट्स का लाइफ रहता है। कहता भैया हमने मशीनरी जो खरीदा है ना उसकी वजह से हमें वर्किंग कैपिटल भी एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल भी। ठीक है जी, कितने का लगेगा? 15 का। और मशीनरी SLM से डेप्रिशिएट करो, ठीक है SLM रेट होता तो रेट लगा देते, नहीं है तो फॉर्मूला तो है ही है। और हमारे स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू 25,000 है, टैक्स रेट 30% है, जब तक कैपिटल गेन ना बोले हम वो वाला इंपैक्ट नहीं लेंगे, सेविंग वाली बात। यहां पे हमने क्या करा सर, 5 साल का प्रॉफिट डाल दिया और डेप्रिसिएशन हर साल का मैंने यहां पे निकाल लिया 1 साल का इस फॉर्मूले की मदद से। और हर साल का मैंने क्या करा सर, हर साल का मैंने यहां पे डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया एक एक करके। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन हो गया। एक बच्चा कहता है सर हम इसे बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स? हाँ जी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसके ऊपर 30% का टैक्स लगाया, टैक्स लगाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया और इसमें हमने डैप ऐड करके क्या निकाल लिया, कैश। क्वेश्चन ने 3 बातें पूछी थी सर, नंबर 1 आप निकालिए इनफ्लो, नंबर 2 बताइए आउटफ्लो, नंबर 3 बताइए टर्मिनल से कितना पैसा आया। टर्मिनल का मतलब एसेट्स। तो सर पहले साल का इनफ्लो, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें साल का इनफ्लो तो है, लेकिन टर्मिनल से अगर हम आउटफ्लो की बात करें तो टर्मिनल से आउटफ्लो ये है हमारा 1,65। सर वर्किंग कैपिटल का क्या रोल है? वर्किंग कैपिटल ना हमारा लगता है, इनिशियल स्टेज में आपका पैसा फंसेगा वर्किंग कैपिटल में, तो आपका आउटफ्लो का ही तो पार्ट है। और लास्ट वाले ईयर में आपका वर्किंग कैपिटल लगेगा नहीं, वो पैसे वापसी आ जाते हैं आपका, तो पैसा आ रहा है तो वो इनफ्लो का पार्ट हो गया, तो इसलिए इनिशियल में आपका ऐड हो गया क्योंकि हम ये आउटफ्लो बता रहे हैं आपको। और यहां पे भी ऐड हो गया सर क्योंकि इनफ्लो बता रहे हैं, इस वाले में वर्किंग कैपिटल का पैसा आ रहा है और वहां पे ऐड करने का मतलब वर्किंग कैपिटल का पैसा जा रहा है। जब कभी भी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। आने वाले क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन करने, आने वाले क्वेश्चन में कई बार हो सकता है कि तीसरे साल में बोले कि हम अब वर्किंग कैपिटल लगाने जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे साल में यार हमसे काम नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो मशीनरी शुरू में तो मैं चला रहा हूँ, काम बढ़ गया, 2 साल बाद बोला यार मेरे से नहीं चलेगा, अब इसके लिए लेबर ही रख लो, हो सकता है ऐसा। तो 2 साल के बाद वर्किंग कैपिटल आएगा उसका भी हम देखेंगे। तो पहले आप देखिए यहां तक कोई दिक्कत? साल्वेज वैल्यू क्यों नहीं लिया, ले रखा है देखो साल्वेज वैल्यू।
अब वॉइस है, चेक करिए। नाउ वॉइस इज क्लियर। एक बार क्लियर, ठीक है। ठीक है, चलिए वो रिफ्रेश कर दिया, इंटरनेट की कोई दिक्कत रही होगी। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। हमने कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, क्वेश्चन देखे। अब एक बड़ा ही मेन पॉइंट, प्रेजेंट प्रेजेंट, एक बार टेनियर देना। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है उसमें, टेनियर लाया हो कोई? तीसरा तीसरा देखना, तीसरे का हेडिंग। एक क्वेश्चन और सोच रहा हूँ कराऊं इसका पहले। चलो पहले यही करते हैं। यही करते हैं पहले। जी देखिए, समझने वाली चीज है ये। और भी क्वेश्चन कैश इनफ्लो वाले करेंगे हम, क्वेश्चन कैश इनफ्लो के हम करेंगे, लेकिन पहले एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दे दूं। इसके अंदर भी वो पार्ट कवर होगा धीरे धीरे, ताकि हम हर क्वेश्चन में नेट प्रेजेंट वैल्यू भी सीधा सीधा निकाल लें। सर, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? और हालांकि जिन बच्चों ने इसको कर लिया, आपका एक चैप्टर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, बहुत लैग हो रहा है वीडियो, मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ, दोबारा रिकनेक्ट कर देते हैं भाई वीडियो को, एक मिनट, मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ, शायद इंटरनेट। अब देखिए वीडियो ठीक चल रही है? नाउ बेटर? चलो शायद हो सकता है टेक्निकल को इंटरनेट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, समझे कॉन्सेप्ट? ये रियल लाइफ में भी बहुत ही यूज होता है। प्रेजेंट वैल्यू,
परसेंट का मतलब होता है हमारा, अब मान लेते हैं सिंपल मिस्टर एक्स है, ध्यान दीजिएगा मिस्टर एक्स है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसी का काम आता है सारा। मिस्टर एक्स है वो अपने सन को कहता है कि भाई एक काम कर, तू या तो मेरे से आज 1,000 रुपये ले ले या फिर 5 साल के बाद, 5 ईयर के बाद मेरे से 1,500 या मान लेते हैं 2,500 रुपये ले लेना। दो बातें बोली गई, 5 साल बाद 2,500 रुपये ले लेना। अब यहां पे जो हमारा वैल्यू है ना, नॉर्मली कहा जाता है नॉर्मली के प्रेजेंट वैल्यू को जो निकाला जाता है ना वो इन्फ्लेशन की वजह से निकाला जाता है। ये सच है, थोड़ा बहुत ठीक है कि इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है। दूसरा इन्फ्लेशन क्या, मैं पहले कुछ बातें समझाऊं। अब इसका मान लेते हैं इसका सन जो है, जो इसका लड़का है वो दिमाग लगाएगा कि मान लेते हैं सपोज करिए आज के डेट पे 1,000 रुपये में वो एक प्रोडक्ट खरीद रहा है। क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है, कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं आपकी बुक, आज की डेट में 1,000 रुपये की आपकी किताब है, क्या 5 साल बाद भी 1,000 का होगा? 5 साल बाद एस्टिमेशन लगाया गया इस किताब का प्राइस, पेपर बहुत महंगा होगा, वो हो जाएगा 2,600 का, बढ़ जाएगा रेट। आपको अभी ये थोड़ा सा हैरानी होगा, मैं बताता हूँ, जो किताबें पहले थी ना 500 रुपये की लॉकडाउन से पहले, वो 1,000 की हो चुकी है सीधा। प्राइस इतनी तेजी से बढ़ गया, क्यों? पेपर का रेट बढ़ गया, वो भी क्या करें। आपको लग रहा होगा किताब महंगी हो गई, इसका मतलब वो तो बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, पेपर ही महंगा हो गया, बहुत सारे रीजंस हैं। तो अगर इसके बेटे को, मिस्टर एक्स के बेटे को बोला जाए भैया तेरे को आज 1,000 रुपये देने हैं, तो ये दिमाग लगाएगा भैया आज के डेट पे मैं किताब खरीद रहा हूँ 1,000 की, और कल 5 साल बाद वो किताब मिलेगी 2,600, मेरे पापा देंगे 2,500, 100 का तो नुकसान ही है, 100 का तो वो बोलेगा मैं नहीं लूंगा 5 साल बाद, 5 साल बाद मुझे अभी दे दो 1,000 रुपये, बात खत्म। लेकिन अगर इसको पता चल जाए 5 साल बाद इस किताब की कीमत वो है 2,300 रुपये होने वाली है, तो आज मैं खरीदूंगा 1,000 का, 1,000 मिल रहा है, 5 साल बाद यही किताब मुझे कितने का मिलेगा? 2,300 रुपये का मिलेगा, और मेरे इसके फादर कितने देंगे? 2,500 रुपये देंगे। इसका मतलब 200 रुपये का फायदा हो जाएगा, अगर मैं आज किताब लूं तो 1 रुपया नहीं बच रहा, और 5 साल बाद मेरे कितने बच जाएंगे? सेम उसी तरीके से आप मान लो आज की डेट पे कोई सामान आप खरीदते हो, आज से मैं लॉकडाउन से पहले पेट्रोल का रेट ले लेते हैं, 2014 की बात मैं करूं, पेट्रोल की कीमत था 50 रुपये लीटर, एवरेज मान लेते हैं, वैसे 60 के आसपास था 50, लेकिन आज की डेट पे कितना है वो? 100 रुपये लीटर। 8-9 साल का फासला है, 2014 में था ये। तो अगर आपके जेब में उस दिन जो 50 रुपये थे, आपकी परचेजिंग पावर उस दिन 1 लीटर पेट्रोल खरीदने की थी, और आज की डेट पे भी आपके जेब में अगर 50 रुपये हो तो परचेजिंग पावर आधा लीटर पेट्रोल खत्म करने की है। अगर उस दिन आपको 50 रुपये दिए जाते तो आप 1 लीटर पेट्रोल डलवा सकते थे, लेकिन आज आपको चाहिए 100 रुपये। अगर मैंने आपसे उस दिन 50 रुपये दिए थे और आपको आज ही 50 रुपये रिटर्न करूं तो आप बोलोगे क्या फायदा हुआ, मेरा तो नुकसान है। लेकिन अब मैं आपको 100 रुपये रिटर्न करूंगा, बोलोगे हाँ अब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा पैसे पे, फायदा अब भी नहीं है। फायदा कब होगा? जब आपका बाइंग जो परचेज उस दिन कर रहे थे और जो परचेज आज कर रहे हो उससे थोड़ा एक्सेस पैसा मिल जाए। तो जो हमारे प्रेजेंट वैल्यू निकालने का पर्पस है, आपको तो बार बार बोल दिया जाता है ईयर वन में आप 20,000 रुपये कमाओगे, ईयर टू में आप 25,000 कमाओगे, ईयर थ्री में आप 30,000 कमाओगे, बट सर मशीनरी तो आज खरीद रहे हैं, उस दिन 30,000 की वैल्यू कुछ और होगी आज के हिसाब से।
प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाला जाता है? सर प्रेजेंट वैल्यू इसलिए निकाला जाता है, दो रीजन है। एक तो हमारी परचेज बाइंग पावर के हिसाब से, क्योंकि बाइंग पावर हमारा क्या हो सकता है, कम हो जाता है, रुपए की वैल्यू क्या होती है, दिन ब दिन घटती है। और दूसरा अनसर्टेनिटी, कल के दिन क्या होगा नहीं होगा, इससे अच्छा सोचते हैं कि आज ही ले लें। तो एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसके अंदर तो पूरा हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि जो 10 साल बाद 1 रुपए है उसकी वैल्यू आज कितनी है, आज ही निकालना होगा आपको, उसे बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर 10 साल बाद 1 रुपए, जो 1 रुपए 10 साल बाद मिलेगा उसकी आज वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? उसके लिए आपको एक रेट दिया जाएगा। जैसे मान लो 10% दे दिया गया, 12% दे दिया, वट एवर एक रेट दिया जाएगा। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था इसके अंदर सिर्फ इनफ्लो निकाला है, लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि आप बताइए इस एसेट्स को खरीदें कि ना खरीदें, तो आप क्या चेक करोगे? सर 1,65,000 का खर्चा है और 40,000 मेरे वापसी मिल जाने हैं, तो मेरा खर्चा कितना, 1,65,000 और माइनस में 40, तो 1,25 का सर मेरे जेब से खर्चा जा रहा है। और सारी कमाई को टोटल कर दोगे आप बोलोगे सर 42,500, 46,000 और 49,500, 50,900 और 53,000 के हिसाब से 2,41,900 मिल रहे हैं और मेरे जेब से जा रहा है कितना, 1 लाख। तो नॉर्मल इंसान बोलेगा ठीक है सर मशीन खरीद लो, फायदा है। सर आपके 1,25,000 जो खर्चा हो रहा है ना, वो टुडे आज हो रहा है वो, और ये पैसा जो मिलेगा ना, ये 5 साल, 3 साल, 2 साल के बाद मिलेगा। क्या पता इस जो 53,000 की वैल्यू, अगर मैं कहूं इस 53,000 की वैल्यू आज की डेट में 5,000 है, इसकी वैल्यू आज की डेट में 7,000 है, इसकी वैल्यू आज की डेट में 10,000 है और इसकी वैल्यू आज की डेट में मान लेते हैं 15,000 है, और ये तो आज की डेट पे है ही है, 0 ईयर में मान लेते हैं ये तो है ही है। तो आपके पॉकेट में कितना पैसा आएगा? तो 15, 5, 20, 10, 30, 37,000 और 42,000, मोटा मोटा मान लो आप 75,000 रुपये आपके पॉकेट में आएगा, लेकिन खर्चा कितना है, 1 लाख। आज की डेट की बात कर रहा हूं, आज के डेट पे खर्चा कितना, 1 लाख। देखने से लग रहा है आपको कि सर ये मशीनरी ठीक है, बेनिफिशियल है, लेकिन जब उसका हम वैल्यू एक्चुअल कैलकुलेट करने लगे और जो हमें वैल्यू मिला, तो उससे रिजल्ट क्या मिला, सर मशीन मत खरीदो, क्योंकि मशीनरी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है एज पर प्रेजेंट वैल्यू। सर ये कैसे अमाउंट निकाला, ये सारा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। इसके ऊपर कुछ टेबल्स भी यूज होते हैं, मैं टेबल का यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं कैलकुलेटर का यूज करके आपको बता दूंगा। सर 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू पहले 1 साल का निकालना समझते हैं। प्रेजेंट का मतलब, नेट का मतलब क्या होता है ये भी देख लो। अगर हम नेट की बात करें, यहां पे दो बातें चल रही है सर, एक प्रेजेंट वैल्यू की बात चल रही है, एक नेट। नेट का मतलब होता है आपका इनफ्लो माइनस दैट इज अ नेट, नेट फ्लो, इनफ्लो माइनस, अगर ये आता है आपका पॉजिटिव, मतलब 100 रुपये इनफ्लो है और आउटफ्लो 90 है, तो बढ़िया है भाई, ठीक ठाक चल रहा है आपका, 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाई हो रही है आपकी। लेकिन अगर ये आ जाए नेगेटिव, मशीनरी मत खरीदना, क्योंकि आपने 100 लगाया और आपके जेब से अगर 110 गया, तो 10 रुपये तो और पॉकेट से लगाने पड़ रहे हैं, तो मशीनरी को रिजेक्टेड। अगर इक्वल भी आ जाए तो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉफिट थोड़ी है, ये तो इनफ्लो को चेक कर रहे हैं। काफी बच्चे समझते समझते प्रॉफिट माइंड में ले लेते हैं कि 100 लगाया, 90 मिला, 10 का फायदा ले लो, नहीं, कैश की इनफ्लो की बात कर रहे हैं। आपके बैंक में पैसे जमा करते हो, कुछ लोगों का मानना है सर बैंक के अंदर एफडी पे रिटर्न मिलता है, एफडी कह रहा हूं जो सेविंग अकाउंट होता है ना आपका, सेविंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है लेट सपोज 4% का, वो ब्याज नहीं है। अगर आपने 1 लाख रुपए रखा, 1 साल बाद आपको 1,04,000 मिल रहा है और आप बोले, आपने सोचा कि ये मुझे 4,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो बेवकूफी है वो।
जो 1 लाख रुपए का सामान आप आज खरीद रहे हो, 1,04,000 का शायद 1 साल बाद वो आए भी ना। तो जो बैंक वाले ब्याज दे रहे हैं ना, जिसे हम इंटरेस्ट का नाम बोलते हैं, वो सिर्फ हमारे परचेजिंग पावर को मैनेज कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी भी देखना, जब भी इन्फ्लेशन रेट, जब भी प्राइसों का रेट बहुत ज्यादा तेजी से हाइक होने लगता है, तो बैंकर ब्याज रेट भी बढ़ा देते हैं। क्यों सर? ब्याज का बैंक का ब्याज रेट क्यों बढ़ा देते हैं? उससे क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर 50 रुपए रखा है, 1 साल बाद आपको 60 मिल रहा है, तो इसका मतलब 50 रुपए का 1 किलो आटा है, 1 साल बाद 60 रुपए का होगा 1 किलो आटा। परचेसिंग पावर तो सेम ही रखना चाहते हैं वो। महंगाई डबल तेजी से बढ़ गया, तो अब 50 के बदले आपको 70 देंगे वो, तो 20 रुपए नोट है इंटरेस्ट आपका क्या है, सिर्फ बाइंग का, वो मैनेज करके चल रहे हैं। अगर आपको पैसा कमाना है उससे ज्यादा, तो आप फिर कंपेयर करोगे, और उसके बाद हर वीकली मंथली इंडियन गवर्नमेंट इन्फ्लेशन रेट इशू करता है, उस रेट के हिसाब से पूरा तय होता है, साल के एंड में भी उसी हिसाब से बताया जाता है। सर हमें एक चीज ध्यान रखना है कि मान लो आज की डेट पे मैंने, आज मेरे पॉकेट में 10 रुपए है, और 1 साल बाद भी मुझे 10 रुपए मिलेंगे, अगर 1 साल बाद, ये टुडे है, ये आफ्टर 1 ईयर है, तो सर आफ्टर 1 ईयर आपको कितने मिलेंगे? 10 ईयर। मैं जानना चाहता हूं आज इस 10 रुपए की वैल्यू क्या होगी? क्या 10 ही होगी आज इस वैल्यू की? 1 साल बाद आपको 10 मिलने वाला है, क्या वो आज 10 रुपए के बराबर काम करेगा? नहीं। सर कितना इन्फ्लेशन रेट है? क्वेश्चन में आपको इन्फ्लेशन रेट दे दिया मान लो 10%, तो मतलब सर अगर वो 1 साल बाद 10 रुपए मिल रहा है हमें, तो मतलब यहां से कुछ अमाउंट रहा होगा, उसके अंदर 10% ऐड करके तब यहां पहुंचा होगा, है कि नहीं? मीन सर इसके अंदर 10% जुड़ा हुआ है। अगर मैं आज की वैल्यू निकालना चाहूं तो डिवाइडेड बाय 110 इंटू में 10 100 करूंगा, तब जाके निकलेगा जो कि 90.9 कुछ समथिंग आ जाएगा, वो 19.99। यानी सर जो आपको कल 10 रुपये, सॉरी 9 मैंने कर दिया, 90 कर दिया, 9.99 आ जाएगा। इसका मतलब सिंपल है, जो कल आपको 1 साल बाद 10 रुपये मिलेगा, वो 10 रुपये एक्चुअल में है ही नहीं, उसकी वैल्यू आज की डेट पे कितनी है? 9 रुपये 90 पैसे, या 9 रुपीज मान लो, उसकी वैल्यू कितनी है हमारी? 9 रुपीज। तो हमें 4 5 साल के इनकम को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, और प्रेजेंट वैल्यू में किसको कन्वर्ट करेंगे? प्रॉफिट को नहीं, इनफ्लो को। किसको कन्वर्ट करेंगे हम? पैसे इनफ्लो जो हो रहा है। यानी सर हमें क्वेश्चन करने के लिए यहां तक तो जाना ही पड़ेगा, इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू का काम स्टार्ट होगा, समझ रहे हो? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी यहां पे, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैंने बोला मैं एक ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसको मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। कैलकुलेटर की बहुत जरूरत पड़ेगी एफएम के अंदर। मान लेते हैं मैं आपको 5 सालों का इनफ्लो बता रहा हूं, मैंने 5 सालों का इनफ्लो बताया, इनफ्लो ईयर स्टार्ट करते हैं, और इनफ्लो पता है, बताओ, 0 ईयर से तो स्टार्ट नहीं होगा, पहले साल ही होता है हमेशा। मैंने आपको बताया ईयर 1 का इनफ्लो, ईयर 1 का इनफ्लो, ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का, ईयर 5 का, 5 सालों का इनफ्लो बताया। मैंने बोला सर पहले साल आपकी कमाई होगी 50,000, फिर होगी आपकी 60,000, फिर होगी आपकी 15,000, फिर होगी आपकी 18,000, और फिर होगी आपकी 20,000, दैट इज अ इनफ्लो। हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, नेट नहीं निकाल रहा अभी मैं, अभी सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू। नेट में तो क्या करना है, एसेट्स की वैल्यू तो माइनस करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, सर ये जो 20,000 5 साल बाद मिल रहा है, आज तो नहीं होगा, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हर किसी को।
मान लेते हैं मेरा इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो मुझे ये जानना होगा कि 10% का मतलब हम 1 रुपए पे काम करेंगे, जो 1 रुपए पे आएगा ना वही हमारा कैलकुलेशन में आ जाएगा। जैसे मैं पहले पता करूंगा कि सर जो 1 साल बाद मेरा 1 रुपए का, जो मेरा 1 साल बाद 1 रुपए मिल रहा है उसकी वैल्यू आज कितनी है। जैसे हो गया हमारा 0.99, यानी जो 1 साल बाद 1 मिलेगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0.99। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.99 से। सर 1 रुपए जो हमें 2 साल के बाद मिलेगा, 1 रुपए 2 साल के बाद मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 रुपए जो हमें 3 साल के बाद मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगा। तो इसका निकालने का सिंपल सा तरीका, बाकी पीछे टेबल भी दिया होता है, पीवी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। आपने क्या करना है इसको निकालने के लिए, 1 डिवाइडेड बाय जो रेट है, रेट प्लस 1, रेट प्लस 1, और जितने साल का चाहिए आप इक्वल टू दबाते जाइए। जैसे मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 10% है, तो रेट 10% है ना, तो परसेंट के लिए आप क्या लोगे, मैं कैसे करूंगा सर, 1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 1। अब इक्वल टू प्रेस करते जाओ, कैसे होगा सर, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 हो जाएगा, ये पहले साल का आ गया है डेटा, यानी पहले साल का आ जाएगा सर 0.909। तीन ही डेटा लेना है, दूसरे साल का फिर से इक्वल टू दबाओ, ये दूसरे साल का आ गया, दूसरे साल का आ गया 0.826, तीसरे साल का फिर दबाया मैंने 0.7513, वैसे तो तीन ही डिजिट लेना है, फिर से एक दबाया आगे गए तो 0.683, फिर से एक बार किया 0.620, एक बार करके देख लीजिए चाहे आप। सर इसका मतलब क्या है, 1 रुपए की वैल्यू 5 साल में जो आपको 1 रुपए मिलेगी उसकी वैल्यू आज सिर्फ 62 पैसे के बराबर है। 4 साल बाद अगर 1 रुपए आपको मिल रहे हैं तो वो 68 पैसे की बराबर है आज की डेट पे, प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन कहना है सर ये समझ में नहीं आया यहाँ, हाँ दोबारा बताएंगे, अभी चिंता मत करो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, चलिए समझते हैं, जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएगी तो फायदा नहीं है। हाँ जी, ये मैं आपके सामने 5 साल का डेटा रखता हूं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, और मैं स्टैंड करता हूं आज के डेट पे, और आज का डेट हमेशा क्या होता है, 0 ईयर। आज तो 0 ईयर, अगर आज से काउंट करेंगे तो हम फर्स्ट ईयर कब होगा, आज के साल एंड होने के बाद। अब मैंने बोला सर आपको 1 रुपए इस दिन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 1 रुपए इस दिन मिलेगा यानी 1 साल के बाद, फिर से 1 रुपए मैं आपको दूंगा 2 साल के बाद, फिर से 1 रुपए मैं आपके दूंगा 3 साल के बाद, फिर से 1 रुपए मैं दूंगा और 1 रुपए मैं दूंगा 5 साल के बाद। तो ये मुझे काफी समय के बाद मिल रहा है, मुझे आज पता करना है कि इनकी वैल्यू क्या होने वाली है। या 1 रुपए ना देके मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, 100 100 रुपए मैं आपको दूंगा, मुझे ये पता करनी है आज की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, पहले तो एक चीज पे आप बताना, जो मुझे 5 साल बाद 100 रुपए मिलेगा क्या आज भी उसकी वैल्यू 100 रुपए ही होगा। आपने बहुत टाइम पहले बातें भी सुनी होगी कि पहले तो 10 रुपए में पूरा घर का खर्चा चल जाता था महीने का, लेकिन अब नहीं चल पा रहा। इसका मतलब जो पहले के 10 रुपए 10 रुपए के बराबर है नहीं, तो अब जो 5 साल बाद आपको 100 रुपए मिलेगा क्या उसका वही परचेसिंग पावर होगा आज का, नहीं।
तो सर कितना होगा उसके लिए गवर्नमेंट रेट निकालती है। मान लो मैंने बोला 10% के हिसाब से हर साल आपके रुपए में डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% के हिसाब से हर साल आपके रुपए की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आप 100 रुपए पे अगर डेप्रिसिएशन लगाओगे 10%, तो पहले साल में क्या होता है 90, ऐसे करते हैं ना डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन हम उसको रिवर्स करके लेंगे तो 10। आपका कहने का मतलब क्या है, जो सर आज की टाइम पे वैल्यू 100 रुपए का एसेट से, एक साल बाद कितने का होगा, 90 का होगा, फिर धीरे धीरे घटते जाता है। लेकिन हम यहां इससे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहां पे किससे। सर यहां पे एक रेट दिया होता है और हमें फ्यूचर से जब प्रेजेंट में आते हैं ना, तो उसके लिए फॉर्मूला कह लो, मैं तो आपको कैलकुलेटर पे बता रहा हूं। या तो आप फॉर्मूला कह लो या फिर आप इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तो पूरे समझ के करेंगे हम। देखिए ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या है सर, 1/, अब मैं सिंपल सी बात करता हूं, ध्यान दो, एक साल बाद आपका 10% का इन्फ्लेशन है तो 10% जुड़ के एक साल बाद गया होगा, यानी सर ये 110% के बराबर होगा। तो आप कैसे निकालोगे, 100 रुपए गुणा में 100/100। इस बात को छोड़ देते हैं हम, प्रिंसिपल को, हम इसकी बात करते हैं। तो ये क्या आ गया, 1/100, यानी आप अगले साल के पैसे को आज काउंट करना चाहते हो तो 1/1.1 करिए। सर इसको और डिटेल में जाएं तो करना क्या है सर, आपको आपको रेट मतलब प्रेजेंट वैल्यू में जाने के लिए पीवी फैक्टर बोलते हैं उसे, क्या करेंगे, 1/(rate+1)। कैलकुलेटर पे क्या कैलकुलेट करना है आपको, 1 हमेशा ऊपर रहेगा, 1/(rate 10% है तो हम 10% को ऐसे शो करेंगे, 1/1, और 10% क्या होगा, 0.1 होगा ना, 0.1। 10% ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.1 = 10% हो सकता है, तो 0.1 और प्लस में एक तो रहना ही है क्योंकि एक साल बाद की बात कर रहे हैं, तो एक तो रहेगा। दो साल के बाद क्या करोगे आप, फिर से स्क्वायर करोगे, तो वो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले में देखेंगे, अभी तो मैं सिंपल कैलकुलेटर पे बता रहा हूं। तो एक साल का कैसे निकालोगे, 1/1.1 डिवाइड कर दिया, उसके बाद इक्वल टू, और कोई बटन नहीं प्रेस करना, कुछ बच्चे डिवाइड कर देंगे ऐसे, नहीं करना ये आपको, क्या करना है, 1 फिर डिवाइड 1.1, पहले डिवाइड 1.1, इसके बाद डिवाइड का सिंबल नहीं प्रेस करना, इक्वल टू का, तो इक्वल टू दबाया तो जब पहली बार निकल के आता है एक साल का आता है ये। बहुत भूत क्या होता है, कह रहे हैं सर वीडियो वीडियो नॉट, आज के क्लास होने नहीं देंगे, तो देखिए एक साल की वैल्यू जो निकल के आया ना, वो आया सर 0.0, तो सर 0.909 वॉट, एक साल में 1 रुपया इतना होगा, और मैं जानना चाहता हूं 100 रुपए का तो इंटू करोगे तो 909 आएगा आज की डेट पे 100 रुपए, और या फिर मैं बोलूं कल के दिन जो 100 है आज 90 रुपए के हिसाब से काम कर रहा है, आज मैं 90 रुपए का जितना सामान खरीद सकता हूं कल सामान मैं 100 रुपए का खरीदूंगा। दूसरे साल का जानना है, इक्वल टू ही दबाते रहना है, तीसरे साल का जानना है फिर से इक्वल टू दबाना है, चौथे साल का इक्वल टू, कोई और बटन आपको नहीं प्रेस करना अननेसेसरी। तो इक्वल टू जितने साल का आपको जानना है, 13, 14, 15, 16 साल सब में क्या करोगे, इक्वल। तो
वही चीज मैं आपको बता रहा था सर, मैंने यहां 10 रुपए के हर साल की वैल्यू निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या कहता है सर, पीवी बताइए प्रेजेंट वैल्यू। तो सर 5,000 का 1 साल बाद, आज 1 साल बाद अगर आपको 5,000 मिलता है ना, 50,000 मिलता है ना, तो आज की डेट पे 9.45, सिंगल जीरो आएगा, मैंने 1 जीरो ज्यादा ले लिया। इसका मतलब क्या है पहले समझिएगा, इसका मतलब क्या है, 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा, 50,000, लेकिन आज उसकी वैल्यू 50,000 नहीं है। अगर आपके पॉकेट में आज 45,450 रुपए हैं, तो 1 साल बाद मान के चलिए जिसके पास 50,000 है उसको टक्कर दे सकते हो आप। जो 50,000 1 साल बाद लेके घूमेगा ना कि मेरे पास 50,000 है, अगर आज की डेट पे आपके जेब में कितना है, 45,450 रुपए, तो ऑटोमेटिक आपका ये 50,000 के बराबर काम करने वाला है 1 साल के बाद। आप बैंक में तो रखोगे ना, ब्याज मिलेगा ना, ऑटोमेटिक 50 हो जाएगा वो, समझ रहे हो बात को सर। दूसरे साल में 60,000 है, 0.8 कितने आ गए, 49,560। तीसरे साल में 1,11 नहीं, 10,000, और चौथे साल में, ये सही बताना भाई, देखो 11,265, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन दोनों का, 11,265, ये 12,200, ये अब देखो आपको 4 साल बाद 20,000 मिल रहे हैं, लेकिन सर वो 20,000 नहीं है, वो 12,000 के बराबर ही आ रहा है। तो आपका टोटल पैसा आज की डेट पे अगर देखा जाए कैलकुलेशन करके तो क्या बनता है सर, आज की डेट पे देखा जाए तो 45,450, 49,560, 11,265, 12,294, 12,400, 1,30,969। इसका टोटल क्या हो रहा है सर, 50,000, 60,000, 15,000, 18,000, 20,000, ये बन रहा है 1,00,000। नॉर्मल इंसान को मैं बोलूँ ना कि मेरे हमेशा कमाई चल रही है यार, एक मशीन खरीदते हैं और मशीन की कीमत कितनी है, 1,50,000 की मशीनरी है, और दुकानदार ने मेरे को ये समझाया है कि 50,000 इस साल तो तुम्हारी फिक्स इनकम है, नहीं होगी तो मैं करूंगा, अगले साल 60 होगी, 15 होगी, 18 होगी, 20 होगी। तुम 50 की मशीनरी खरीद रहे हो और तुम्हें 1,63,000 वापसी मिल रहे हैं, तो बुराई क्या है, खरीद लो, नॉर्मल इंसान तो यही देखेगा। लेकिन सच्चाई तो भैया कितना मिलेगा, 1,30, और आप कितना इन्वेस्ट करके बैठ गए हो, 1,50, और सच्चाई में आपको कितना मिल रहा है, 1,30। मशीन को रिजेक्ट करना है हमें, मशीनरी को क्या करना है सर। हमारा टॉपिक था नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो एनपीवी मैंने बताया सर, एनपीवी क्या होता है पता है, इनफ्लो, इनफ्लो क्या है, 1,30,969 माइनस आउटफ्लो क्या है हमारा, 1,00,000, मैंने मशीनरी का वैल्यू बताया 50, तो ये आ गया माइनस में, आ गया एनपीवी। माइनस में एनपीवी आने का मतलब सिर्फ एक ही होता है, माइनस में नेट प्रेजेंट वैल्यू आने का मतलब एक ही होता है कि आपका एसेट्स जितने का है उतने पैसे रिकवर नहीं हो रहे आपके कैश के फॉर्म में, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जितने आपने पैसे लगाए हैं वो कैश के फॉर्म में रिकवर तो हो ही चुका है, साथ में एक्स्ट्रा, और बराबर में जितने पैसे लगाए थे उतने रिकवरी हमारे सही हो गए। ये मैं कैश इनफ्लो की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, आपको पता है प्रॉफिट नॉट इक्वल टू कैश इनफ्लो, ठीक है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वो रेट तो 1 साल बाद नहीं रहेगा, हम फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी चीजें सीखेंगे,
देखो अकाउंट्स बोलते हैं, अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या कहता है, हम ट्रांजैक्शन आफ्टर इवेंट अकरिंग के बाद करते हैं, काम होने के, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम होने के बाद करोगे तब तक तो बर्बाद हो लोगे आप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है काम होने से, क्योंकि पहले प्लानिंग, पैसा हम लगाए या ना लगाए, मैनेजमेंट लेवल पे जो काम होता है ना वो प्लानिंग का काम ज्यादा होता है। तो मैनेज, जो अगर आप बोलो ना कि सर हमारे पास एक अकाउंटेंट है, तो वो सबसे लो रेट पे काम करता है। जो मैनेजमेंट का काम करता है ना, एफएम जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे मान लो एमबीए करते हैं इन फाइनेंस में, काम जो होता है टॉप लेवल के होता है। जैसे बिजनेस स्टडी में पढ़ा था आपने, मिडल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल पे कौन होते हैं? इंप्लीमेशन करने वाले। मिडल लेवल पे कौन होते हैं? उसको इंप्लीमेशन करवाते हैं। और टॉप लेवल पे क्या होते हैं? गोल डिसाइड करते हैं। तो वो होते हैं, वो बोलते हैं कि भैया ये मशीन खरीदना ही नहीं खरीदना, उन्होंने ये इस तरीके से सारा का सारा कैलकुलेट किया, मशीन खरीदना ला के दे देंगे, बाकी उनका काम। अगर मान लो आप बोलोगे सर पहले साल, ये क्या होता है रेट जो होता है ना, ये रेट, ये अंदाजा होता है सर, 10% तो रहेगा रेट। अब मैं आज पेट्रोल 100 रुपए है, मैं अंदाजा लगाऊंगा यार 10 10 भी बढ़ जाएगा तो 5 साल बाद 130 140 होगा मेरे हिसाब से, तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्या ये अंदाजा? तो एक अंदाजे के ऊपर सारा हम काम करते हैं। अगर ये अंदाजा गलत हो जाता है तो कंपनी बर्बाद हो जाती है फिर। और ये सच्चाई है, जितनी कंपनी डूबी है ना, उनका डिसीजन, जो उन्होंने नए नए डिसीजन, वीडियो कॉन क्यों बर्बाद हो गया सर? अच्छा वाला सब काम कर रहा था, वो डिसीजन लेता है कि अब हमारा यहाँ से भी पैसा ज्यादा आ सकता है, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में उतर गया, बर्बाद हो गया, बंद हो गया, इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है। पहले ये बताइए कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, नेट के ऊपर नहीं जाना, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, ये समझ में आया? एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, आप करके दिखाओगे? चलिए, हाँ अभी और क्या, कल थोड़ी। मैंने बताया ईयर 1 2 3 4 5, 5 साल का, ज्यादा लंबा नहीं दे रहा, 60 हजार, 20 हजार, 15 हजार, 18 हजार और 16 हजार। रेट मैंने आपको दे दिया सर 12% रहने वाला है। और मैंने एसेट्स जो खरीदा है 60 80, ये टोटल क्या हो रहा है? मैंने सर एसेट्स खरीदा है 1,20,000 का, यानी परचेज किया है आज, ये 0 ईयर में खरीदा होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि सर मैं इस एसेट्स को खरीदूं कि ना खरीदूं? नॉर्मल इंसान तो यहां से कैलकुलेशन करेगा, इसका 129 आ रहा है, वो तो बोल देगा खरीदूं। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से बताइए, इस एसेट्स को मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? कैलकुलेटर होना बहुत जरूरी है, मोबाइल पे ये काम नहीं चल सकता। देखते हैं कौन बच्चा देता है फटाफट, जितने बच्चे लाइव में। इसको डिवाइड करने का प्रोसेस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 0.12 हो जाएगा ये। अब इसको आपको पता है कैलकुलेटर पे बस इक्वल टू करना है आपने। करके दिखाइए फटाफट, मशीनरी खरीदे या ना खरीदे? बच्चे हाँ 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 कर रहे हैं, तो भाई खरीदना है कि ये हाँ वो वाला है या कर लोगे वो वाला? हाँ है, ऑफलाइन वाले अगली क्लास में हर बच्चे के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, नहीं हो तो खरीद ले।
मुझे पहले आप सबसे दो क्वेश्चन मेरे से है, एक तो आप एनपीवी बताओ नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा आप बताओ प्रेजेंट वैल्यू टोटलिटी के फॉर्म में, 5 सालों में कितना प्रेजेंट वैल्यू आएगा, और इस तरीके से बताओ। एंड आपने बताया 1,06,27। अच्छा 627 भाई, और भी स्टूडेंट बताएं। और एक बात बताऊं मैं, हर बच्चे का आंसर अलग होगा, हर बच्चे का आंसर में 5 रुपए 10 रुपए 1,000 रुपए तक का भी फर्क हो सकता है। मान लो कोई 3 डिजिट ले रहा है, कोई 4 ले रहा होगा। नहीं मैं कह रहा हूं, आप जब क्वेश्चन करोगे बुक से आंसर मैच करोगे, सर फर्क आएगा। वो राउंड फिगर भी कर देते हैं कई बार, हम तो नहीं कर रहे, लेकिन नियर बाय आएगा। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे 1,27,627 आ रहा है तो आपका 2 लाख आ जाए, ऐसा नहीं होगा। काफी बच्चों ने ये जवाब दिया, साक्षी का आ गया 100627, सचिन का भी 720 आ रहा है सचिन का। सचिन ने शायद राउंड फिगर में ज्यादा लिया हो, पॉसिबिलिटी है सचिन, अगर राउंड फिगर की बात है वो। एनपीवी क्या आया, एनपीवी एनपीवी बताइए, एनपीवी भी बताइए। ऑनलाइन में जवाब आ गया सर, एनपीवी है 1,19,280। हाँ तो मैंने कहा फर्क आएगा, 280 भी हो सकता है, 373 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। 373 भी जवाब आया, 267 वाले का भी ठीक होगा, डिपेंड कैसे निकाल रहे हैं वो। निशांत राज का भी ठीक आ रहा है, पहली बार जवाब दिया है निशांत राज ने आज। कार्तिक का भी ठीक है, एक और क्वेश्चन दे। एक क्विक वाला क्वेश्चन करते हैं। मानसी का भी जवाब आ गया, लगभग लगभग सभी बच्चों ने जवाब दे दिया है तो मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। 28,367 सर, ये 28,367 क्या निकाला है श्रीयश ने, समझ नहीं आया, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार सही से कैलकुलेट करना श्रीयश। हाँ जी एक और क्वेश्चन देखिए, ज्यादा नहीं मैं 3 साल का निकलवाऊंगा आप। ईयर 1, 2, 3 इन आपका कैश इनफ्लो मैं बता रहा हूं, ये प्रॉफिट नहीं है सर, ये इनफ्लो रहेगा हमेशा। मान लेते हैं 5,000, 5,000 और 5,000, और रेट है आपका सर 10%, और एसेट खरीदा है हमने 12,000 का, उन्नीस। एक और क्वेश्चन आ गया सभी के सामने, श्रीयश का मुझे समझ नहीं आया, मल्टीप्लाई करना है भी, देखो इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। जिन जिन बच्चों का आंसर आया है ना, वो सभी आंसर ग्रुप में भी डाल दिया करें, जिसका मैं बोल रहा हूँ ठीक है ठीक है, ताकि दूसरे बच्चे जिनका नहीं आया उनको हेल्प मिल जाए थोड़ी सी।
दूसरे साल का क्या था, 826, दूसरे का 826 आता है ना, तीसरे का 7, क्या आ गया, 12, क्या कहते हो, खरीद ले मशीन, इंटू करेंगे ना इसका, इसका क्या डिफरेंट, हाँ बिल्कुल आ सकता है, किसी ने 909 लिया हो, किसी ने 901 ले लिया हो, 91 ले लिया हो, किसी ने 9090 एक बार और 9 ले लिया हो, लेकिन मैं कहूंगा सर राउंड फिगर मत करिए, सभी का आंसर एक आएगा अभी चेक करने के लिए, और तीन डिजिट ही लें। कुछ बच्चे कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकाल के डायरेक्ट मल्टीप्लाई मार देंगे तो उनका पूरा डिजिट काउंट हो जाएगा। 12,430 एनपीवी 430, काफी सारे बच्चों ने फटाफट से जवाब दे दिया है लाइव में भी। सर पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है पता है, इस क्वेश्चन में हर साल की इनकम क्या है और इस क्वेश्चन में, तो जब कभी कोई चीज सेम होता है तो मैथमेटिक्स में कॉमन भी लिया जा सकता है। एक काम हम कर सकते हैं, हम क्यों ना इसको प्लस कर दें और 5000 से मल्टीप्लाई कर दें कॉमन लेके, हो सकता है, नहीं हो सकता, तो सर इसको प्लस करके बताइए क्या होगा, चेक कर रहे हैं बस। सर लेंगे मशीन, बिल्कुल ठीक, 2.48, और सर इसको देखें एक बार अप्लाई करके क्या सही जा रहे हैं, तो सर आपने बोला 12,400, कौन से वाला आसान है, कॉमन वाला, लेकिन ये अप्लाई कब हो सकता है, जब सेम। एक और तरीका है इसका, फॉर्मूला क्या था सर, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 किया, एक बार करा कौन से साल का आया, दूसरे बार करा कौन सा साल का आया, तीसरी बार करा कौन से साल का आया, तीसरे साल का आ गया। अब हमें जोड़ने में परेशानी है, एक यहां पे जीटी का बटन होता है आपके कैलकुलेटर में, आप जीटी को प्लस करेंगे, कुछ नहीं करना, तो आपके जीटी जैसे ही करोगे आपका ये वाला डिजिट जो आपने इतनी मेहनत करा है ना, 2.486 डायरेक्ट आ जाएगा, ट्राई करिए। अगर आपका ये डायरेक्ट आ जाता है 2.46, तो इतने बड़े क्वेश्चन को मैं कैसे करता, 5000 इनटू में देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1, 2, 3 जीटी और मल्टीप्लाई 2.486, और यही मल्टीप्लाई कर देता 5000, सर ये लीजिए 12,434 रुपए आ रहा है, फर्क तो आएगा थोड़ा बहुत, मैंने मल्टीप्लाई करके कर दिया, तो ये और ज्यादा क्या है, एग्जामिनर ये नहीं कहता तुम टेबल बना के दिखाओ, एग्जामिनर कहता है भैया मशीनरी लेंगे नहीं लेंगे फैसला बताइए और कैसे निकाला है वो बता दीजिए। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, जब जो जो चीजें जुड़ जाती है उसे क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव बोलते हैं ना, तो ये आ जाता है हमारा, इसको वैसे हम फैक्टर अगली क्लास में मैं चार्ट भी दिखाऊंगा टेबल, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव सी, बस मैं अभी इसको नाम दे रहा हूं सिर्फ सी क्यूमुलेटिव है ये, क्योंकि इसके अंदर पीवीएएफ है, पीवीएफ है, क्यूमुलेटिव फैक्टर है। बताइए ये वाला समझ में आया, जो जीटी वाला है क्लियर है, जीटी वाला कैसे अप्लाई करेंगे, अगर ये ऐसा होता 3 सालों में 5000, बाकी के 2 सालों में 6000 और 7000, क्या तब जीटी वाला कॉन्सेप्ट लगा पाते, नहीं, कंडीशन है हर साल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए आज हमने क्या सीखा है, कोई क्वेश्चन नहीं किया, 2 क्लासेस हो गई सर, 2 क्लासेस में सिर्फ हम इतना समझ पाए हैं, इनफ्लो नाम की कोई चीज है
और उसमें कुछ माइनस प्लस करते हैं, और एक प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाला जाता है बस ये समझा। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए हैं आपके, अगली क्लास से कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, प्रेजेंट वैल्यू के भी और कैश फ्लो। हो क्या सकता है मे बी, देखो मैं क्वेश्चन कैसे दे सकता हूं, इतना बड़ा क्वेश्चन किया मैंने, बोल दिया यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया, 10% इन्फ्लेशन रेट है, बताइए मशीन खरीदे या ना खरीदे, पहले ये तो करोगे ही सर। अब हर साल का नेट प्रेजेंट वैल्यू लोगे आप, फिर मल्टीप्लाई करोगे, आगे एक स्टेप बढ़ेगा सर, इसका भी आएगा प्रेजेंट वैल्यू, ये कौन से साल में मिलेगा, इसका पांचवें साल का फैक्टर लगेगा, है ना। सबको माइनस प्लस करके फिर हम एक एग्जामिनर को बताएंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब ये इनफ्लो तो पूछ ही लिया, आगे इसमें क्या लगा दिया उन्होंने, प्रेजेंट वैल्यू बताइए, और बताइए डिसीजन के एसेट्स को खरीदें या फिर, और डिसीजन बताने के लिए तो हमें पूरा प्रेजेंट वैल्यू को सही से निकाल के और फिर हमें चेक करके बताना पड़ेगा, मशीनरी शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, जो भी है, समझ में आई बात। तो चलिए इकोनॉमिक्स की क्लास, कुछ बच्चे कह रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लास टीटीएस में डिसाइड हुआ है, जो बच्चे ऑफलाइन में टीटीएस शाम को 6:30 से 7:30, 6:30, अब इसका कोई तोड़ नहीं, साढ़े छः से साढ़े सात, कल सुबह आएगा 10 बजे। आपका फोन नंबर अपडेट है ना यहाँ पे, मैं कल करवा दूंगा, कल 10 बजे फोन करना मुझे। कह रहे 100% इन्फ्लेशन रेट हो गया जी। अब कुछ बच्चों के डाउट्स थे सर, इकोनॉमिक्स के प्राइस लाइव में, प्राइस का मैं देखता हूँ, टीचर से बात करता हूँ, हो सकता है जितना कंसेशन दिला के, एक बार मैं कॉलिंग करवा दूंगा भारत आपको, आपसे बात करके वो डिस्काउंट कूपन जो भी होगा प्रोवाइड कर देंगे। थर्सडे से लाइव क्लास स्टार्टेड है टीटीएस में। हाँ भारत, मैं कल कॉल आ जाएगा आपके पास, मैं आपने बोला कुछ डिस्काउंट हो जाए तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को मैं डिस्काउंट करवा दूंगा। यस, बुक का हाइब्रिड वर्जन ऑनर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो देखो कुछ बातें हैं, जैसे कि मार्केट में अभी ना ऑनर्स का हाइब्रिड वाला इसलिए नहीं आया, थोड़े से स्टॉक पड़े थे, वो 10 से 15 दिन में आ जाएगा हाइब्रिड का, वहां पे भी अवेलेबल, दोनों की ही बुक प्रिपेयर की है मैंने, तो दोनों का हाइब्रिड अवेलेबल है, चाहे आपका हो प्रोग्राम का, प्रोग्राम का तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ऑनर्स का मान के चलिए पाइपलाइन में ही है, वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, बाकी पुरानी वाली लोगे तो बस क्वेश्चन थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको, बाकी उसमें वीडियोज के लिए क्यूआर कोड अभी नहीं डाला है मैंने, नई वालों के लिए थोड़ा टाइम वेट कर लो, बाकी नहीं तो ऑनर्स वाले जितने होंगे उनको मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन डाउनलोडेबल नहीं होगा क्योंकि मेरे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते वहां से, तो मैं डाल दूंगा, आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो, जैसे मार्केट में आएगा ना सबसे पहले आपको इंटीमेट कर दूंगा, या जितने बच्चे लेने चाहते हैं आप मुझे एक बार बता दीजिए, आपके लिए स्पेशली जो भी 150 बच्चे हैं, जो भी जो लेना चाहते हैं स्पेशली मैं बनवा के कुरियर कर दूंगा आपके लिए, एक बार कॉल करके देख ले रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंट का हाइब्रिड नहीं आएगा, अभी सिर्फ हाइब्रिड आया है आपका, एक तो बिजनेस मैथ्स का आ सकता है जिस पे काम चल रहा है, इकोनॉमिक्स का आ सकता है उस पे भी काम चल रहा है अभी, इस साल तो नहीं नेक्स्ट ईयर आएगा, एफएम का मैंने कर दिया है हाइब्रिड मोड में अभी, और इनकम टैक्स का मैंने कर दिया, दो सब्जेक्ट तो मैंने कर दिए हैं, अब आने वाले टाइम के लिए धीरे धीरे सारी बुक कन्वर्ट होगी क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग करना है, क्लासेस डालना, सारी चीजें थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन का और जो बुक है ना आरपी रस्तोगी उसका पूरा मैं क्वेश्चन वाइज आपका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपको दिक्कत ना हो, बुक तो लेने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल ठीक है, गुड नाइट।
कोशिश है बिजनेस स्टैट्स का एज सुन एज पॉसिबल साक्षी अवेलेबल हो जाए, उसका भी हाइब्रिड मोड का बुक्स जो है बहुत जल्दी बनाएंगे, कोशिश है अवेलेबल हो जाए। आप बच्चे पूछ रहे हैं हाइब्रिड वर्जन में क्या है, हाइब्रिड में ये है कि जो 10 ईयर के मैंने सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, पहले ही डाल दिया आपको, तो बुक बनने से पहले ही उस 10 ईयर का सॉल्यूशन जो बाहर वाले कुछ बच्चे हैं आउट ऑफ दिल्ली के हैं जो शायद मुझसे लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो खुद पढ़ रहे हो या कहीं और कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो उस 10 ईयर के वीडियो के सॉल्यूशन में जैसे रुक जाएंगे तो वो मेरी वीडियो को स्कैन करके देख सकते हैं, बट उनको पेमेंट देनी पड़ेगी वहाँ पे। हर चैप्टर के हिसाब से, पूरे कोर्स के हिसाब से अलग अलग पेमेंट होगा, क्वेश्चन वाइज वो पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट आप तो सारे क्वेश्चन मैं फोल्डर में डालूंगा। आपने जो एक बार पेमेंट कर दिया उसमें हाइब्रिड के भी सॉल्यूशन है। इकोनॉमिक्स का मैं देखता हूं, आज मैं आप सभी को मैसेज शूट करा दूंगा आज आज के लिए, क्योंकि देखो क्योंकि काफी सारे बच्चों कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आज मैं अभी मैसेज शूट करा देता हूं कि आज ₹500 जो प्राइस रखा था वही दोबारा मैं ओपन करवा देता हूं आज ₹500, सो दैट आप बाय कर लेना, उसको डिले मत करना क्योंकि फिर दोबारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। लाइव क्लास एक बार स्टार्ट हो गई फिर मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेन रीजन ये है, देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके लिए तो मैं आपके लिए कोई भी प्राइस रखने के लिए तैयार हूँ, जैसे बोलेंगे वैसे कस्टमाइज हो जाता है, लेकिन बाहर के टीचर है ना तो वो क्या करते हैं, उनके पेमेंट, उनके आने जाने का खर्चा, बड़ी सारी चीजें हैं, तो उसके हिसाब से मैं आज के लिए आप सभी को मैसेज शूट करा रहा हूँ, सिर्फ आज के लिए ₹500 का प्राइस। मैं भी एक बार बात कर लेता हूँ टीचर से और आप आज बाय कर लीजिए, आज ही कर लीजिएगा 12 बजे से पहले, फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके कार्तिक, और भारत का भी था, चलो मैं बता दूं आज बोल देता हूं। ओके गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अगली क्लास में FM का टारगेट है, अक्टूबर एंड मुझे खत्म करना है एट एनी कॉस्ट अक्टूबर एंड में, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर ये है, धीरे धीरे लेके चल रहा हूं मैं। मानसी गोयल, शायद डिस्कनेक्ट हो गया।